वो दिया जो बुझने जा रहे थे दिया हो गया तेज, और उसको मुंह में थोड़ी आग लग गई, उसने दो चार बार छलांग लगाया। देखो ठाकुर जी कितने दयालु, बोले कार्तिक का महीना, ये दिया बुझने जा रही थी और ये चूहा ने क्या किया, दिया को उसने तेज कर दिया, उसने दिया को जला दिया और दो चार बार छलांग लगाया। मानो मेरे को उसने आर भी दिखाते हुए मेरे सामने उसने मिलते दिया, उसका फल क्या हुआ, दूसरे जीवन में वो चूहा बन करके वो राजकुमारी बन कर गया, और उसकी हृदय में बांके बिहारी के प्रति भक्ति रही, भावना रही, पर भगवान की भक्ति करते करते ठाकुर उसको अपना गोलोक वृंदावन में अपना पटनाई बना करके ले गए। एक एक चूहा अगर दो चार बार छलांग लगा करके ठाकुर को एक बार दिया दिखा करके अगर इतना फल मिलता है, अगर कोई श्रद्धा से भगवान के लिए थोड़ी सी करे। भगवान द्रौपदी को क्यों भैरी सभा में वस्त्र दिया, केवल भगवान की अंगुल कर दिया था, बैंडेज कर दिया था, तभी प्रभु जी भैरी सभा में वस्त्र दिया है। इसलिए अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आए ना, कभी बिलबिलाना नहीं, भजन नहीं छोड़ना कभी। मीरा का नाम सुने हो, कौन मीरा का नाम सुने हो, सबसे संसार के जब उसने भजन किया उसका सारे परिवार उसको विरोध हो गए, जेठ ननद सास हैं उसकी ससुर सबके सब विरोध हो गए, लेकिन मीरा ने अपना रंग तो नहीं छोड़ा, भजन उसने नहीं छोड़ा, और दुनिया में किसका नाम हो रही है, मीरा का नाम हो रही है। इसलिए दुनिया कैसे है, दुनिया कैसे है, कोई गंदे काम कर तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन कोई अच्छे काम करो भक्ति करो तो मेरी कोई उम्र है तुम्हारी भजन करने की। बच्चा अगर सिगरेट फूंक रहा है, शराब पी रहा है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, शराब पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन अगर गला में कट्टी तिलक थोड़ा माला ले ली, बोले तेरी कोई उम्र है भजन करने की, अभी से तिलक कट्टी की सब क्या चीज, लेकिन दुनिया इतनी गंदी दुनिया है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भक्ति कभी छोड़ना नहीं, कोई भी विपत्ति आ जाए भजन कभी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज समझो, जैसे भक्ति कर रहे हैं अगर कोई दुख आ जाए फिर और क्या समझो, और एक उदाहरण समझ लो, जैसे गांव में गेहूं की खेती होती है, देखना गांव में एक ड्रम होता है, हाँ, और ड्रम का नीचे एक छेद होता है, जैसे इसी साल आपने गेहूं की खेती की, लेकिन दाना इतना बढ़िया नहीं हुआ, छोटा छोटा दाना हुआ, उसको ड्रम में डाल दो, दूसरे साल जब खेती हुई बढ़िया एकदम गेहूं का दाना बढ़िया बड़ा 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 हुआ, उसको भी ऊपर से डालो, जब नीचे से आप गेहूं निकालोगे बताओ पहले कौन सा गेहूं आएगा, छोटा आएगा ना बड़ा आएगा, था क्यों आपने बड़ा डाला ना छोटा गेहूं आएगा। हाँ देखो इतनी इतनी चीज को समझ लो, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं अगर भक्ति करते करते कोई अगर दुख कष्ट आ जाए, बोले हम भगवान की इतना पूजा करते हैं सेवा करते हैं दिन भर इतने ठाकुर को नाम लेता है, देखो ठाकुर मेरे साथ में क्या कर रहे हैं, बोले भैया तुम जो भक्ति पूजा कर रहे हैं उसका फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन तुमने जो गेहूं डाला है ना पहले तुमने छोटा गेहूं डाला है, अभी तुम बड़ा गेहूं तो डाल रहे हो, बड़ा गेहूं तो आएगा, लेकिन पहले तुम्हारी छोटा गेहूं तो खत्म हो जाए फिर तो बड़ा गेहूं आएगा, समझ गए कि नहीं। ये ब्रह्मा जी इस बात को बता रहे, बोले प्रभु अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आए तो बिलबिलाना नहीं, भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की भजन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भगवान को जब स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान को अपना सखाओं के साथ में मस्ती ले रहे थे, खेल रहे थे, और सखा लोग कृष्ण को चिढ़ा रहे थे, भैया ये चौमुआ कहाँ से आ गया, ये चौमुआ कहाँ से आ गया, ये चार मुंह वाले कहाँ से आ गए, उनको किले उड़ा रहे थे। ब्रह्मा जी देखा भगवान थोड़ी सी भी खुश नहीं हो रहे, अभी तो मैंने भगवान को स्तुति की, अभी उनको ब्रजवासी उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ, अरे ब्रजवासियों को स्तुति की, बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले प्रभु ये ब्रजवासियों का हम महिमा क्या बताएं, तुम तो पूर्ण ब्रह्म और सनातन हैं, इन लोगों ने क्या इसे पुण्य किया है
तुम भगवान होकर के जिनकी सखा बन गए उनको साथ में खेलते हो, सखा को कोई मीठा फल मिल जाए ना, बोले कन्या ये फल बड़ा मीठा है। कन्या कहती तू क्या अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे, झपट करके उसका झुगन को खाते हैं। अगर कन्या कभी मीठी, कभी उन्होंने मीठी खा लिए, कभी उन्होंने मक्खन चोरी की, मैया ने कहा क्यों लाला तुमने मक्खन चोरी की, कृष्ण डर से क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मार कन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही मार कन खायो, सुन मैया क्योंकि भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। फिर ब्रह्मा जी भगवान को तीन बार परिक्रमा लगाई, प्रभु को प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी चले गए। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री इंद्र को, बोले देखो इंद्र मैंने भी बड़े ब्रह्मात रख रहा है, बोले भैया अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, बोले कृष्ण का नाम है गोपाल, ये गैया को बड़े प्रेम करता है, इसलिए सुरभि का अभी की अनुगत्य में तुम जाओगे ना वो महान है, हैं? इसलिए कृष्ण गैया की स्वयं गैया की सेवा किया करोगी, कृष्ण गोचर ने किया है, कृष्ण तुम्हें माफी कर माफ कर देगी। जब उन्होंने सुरभि का अभी की अनुगत्य में गई, भगवान उसको अपराध को माफ कर दिए और कृष्ण डांट लगाए, बोले खबरदार इंद्र अभिमान नहीं करता, तुम्हारे मन में बड़ा अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, ये ब्रजवासी मेरे प्रजाएं, तेरे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये लीला की थी, कभी अभिमान नहीं करना। पर कृष्ण को उन्होंने सुरभि गाभी की दूध से उनको स्नान कराया, भगवान का एक नाम रख दिया गोविंद, बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री जय जय श्री राम गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ये ब्रज समुद्र मथुरा समस्त की ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज मणिका सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद्र उमिले का सांवरिया बजेगी बांसुरिया जब मैं आता हूँ
बाद है सही। देखिए हम लोग जब कहा जाते हैं राजस्थान पंजाब मुंबई चेन्नई कब जगह भजन सुन करना थे, लेकिन यहां कुछ कम उत्साह नहीं था। देखिए जन्म किस किस का अमूल है, सबका अमूल है कि नहीं? जन्म मनुष्य जन्म जो है ये अमूल है कि नहीं? तो इसको सफल बनाना कैसे है? तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, भगवान कहते हैं रामायण में कि निर्मल मन जन सोम ही पावा और मोह ही कपट छल छिन्नना भावा। तो भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वो मुझे बहुत प्यारा है, और जिसके मन में छल कपट चित्र भरा हुआ है वो मुझे कतई प्यारा नहीं है। तो बोले निर्मल कैसे होगा? बोले नाम गाने सदा रुचि वैष्णव श्रीमद सभी मन में। इसलिए मन निर्मल तभी होगा जब कीर्तन में नाचेंगे ताली बजाएंगे और वैष्णव सेवा करेंगे, तभी मन निर्मल होगा। तो आइए सभी लोग ताली बजाते हुए नाचते कूदते हुए इस भजन का आनंद लेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाते
सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन
चक्री जो माया उपासिता। यदि रास करने वाले कौन है, बल्कि कोई जीव नहीं, ये भगवान है, है? ये भगवान है। कहीं कहीं आता है ठाकुर जी कितने गोपियों को साथ में रास की, बोले कहीं आता है सर करुण, कहीं आता है 300 करुण। और कृष्ण जब द्वारका में रहे तो 16108 पट रानियों को साथ में शादी किया। इसलिए कोई कोई व्यक्ति भगवान को 22 भी करते हैं। देखो भगवान जब गोपियों को लेकर के रास रचाए उसी में कोई दोष नहीं, और जो हम करें हमारे ऊपर दोष है, केवल हमारे ऊपर दोष, बोले ऐसे नहीं, ये भगवान है, ये जीव नहीं। अब देखना किसी व्यक्ति के घर में अगर दो बीवी हो जाए, देखना दिन भर ड्रामा, दिन भर घर में है, दिन भर घर में महाभारत है। बोले एक व्यक्ति का घर में दो बीवी थी, अभी पति दिन भर बाहर काम करते करते परेशानी, जब घर में आता है सोचता है घर में थोड़ा चैन मिलेगी, लेकिन घर में आओ घर में भी महाभारत दोनों में। वो कहते मेरे को इसने बोला, उसने पहले कर दी ये बोली थी, अभी दोनों में महाभारत, रोज बाहर भी परेशान घर में भी परेशान। उसने सोचा इनके लिए मैं दो मंजिली बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी और एक नीचे रहेगी, तो फिर झगड़ा नहीं होगा। अभी जो नीचे रहती ना वो पहले से ही खाना पीना बना करके बाहर बैठी रहती है, जब पति काम से आए सीधा हाथ पकड़ कर जोर जबरदस्ती वो अंदर ले जाती। अभी जो ऊपर रहती वो परेशान रोज रोज ये। एक दिन जो ऊपर रहती थी वो भी खाना पीना बना कर नीचे आकर बैठी, आज मजा सिखाती, जब पति काम से आए बोले रोज रोज नीचे चली जाते, हमने नीचे ऊपर बैठ रह जाती, चलो मेरे ऊपर में चलो, वो हाथ पकड़ करके ले जा रही थी। जो नीचे थी ना बोले मैं भी तो खाना पीना बैठे करके बैठी हूँ, एक तो हाथ पकड़ लिया और इन्हें टांग उठ गई, अभी दोनों तरफ कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसी समय में उसको घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया था, वो चोरी क्या करेगा, वो तो मजा देने लग गया, बोले ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है, दो पत्नी होने पर देखो कैसे लड़ाई होती है। बड़े देर से जब उनकी लड़ाई समाप्त हुई देखा घर में चोर घुसा होगा, अभी उसको पकड़ कर पुलिस को पास में ले गए, बोले भैया इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। चोर ने कहा पुलिस साहेब जो कुछ सजा देना सारे सजा लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक सजा मेरे को मत दो। बोले कौन सा सजा, बोले मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान इतने गोपियों के साथ में रास किया है, सब करो जब भगवान रास कर रहे थे ना, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, हर गोपियां देख रही थी। एक दिन श्री नारद जी द्वारका में पहुंचे, बोले घर में दो पत्नी हो तो रोज लड़ाई, लेकिन भगवान इतने पत्नियों को संभालते कैसे। एक दिन द्वारका में भगवान पहुंचे, पहले उन्होंने रुक्मिणी के घर में गए, उनको 16108 राजमहल बनी हुई थी, कृष्ण हर घर घर पर रहते थे। जब उन्हें रुक्मिणी के घर में पहुंचे देखा प्रभु वहां यज्ञ कर रहे हैं, रुक्मिणी के साथ स्वास्थ्य कर रहे थे, भगवान नारद जी को बैठाए चरण पूजा की और उन्होंने विदाई दी। फिर उन्होंने जब सत्यभामा के घर में गए ना, देखा भगवान बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहे थे, यहाँ से विदाई लेकर के जब वहां पर पहुंचे नारद जी, कृष्ण कह रहे नारद जी आप बड़े दिनों में आए हो, हमारे बीच बीच में कभी कभी आया करो। नारद बोले अभी अभी तो कृष्ण विदाई दिया और अभी अभी कह रहे हैं बड़े दिनों में आए हो। वहां से जब उन्होंने कालिंदी के घर में गए देखा भगवान बैठ करके वहां पर भोजन कर रहे हैं ठाकुर जी। वहां पर गए तो ठाकुर जी बोले नारद जी अब बड़े दिनों में आए हो, अभी जिस जिस घर में जाए प्रभु को उन्होंने अलग 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 घर में लीला कर रहे थे, अलग अलग रूप में स्वागत किया और हर घर में कह रहे थे आप तो बड़े दिनों में आए हो। नारद तो देख करके आश्चर्य चकित हो गया ना प्रभु की लीला। इसलिए कहते अगर हमें कोई हमारी इच्छाओं को कोई अगर पूर्ण रूप में पूरी कर सकते हैं वो केवल भगवान कृष्ण ही है और कोई नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले भैया रास रचया कौन है, बोले जीव नहीं वो भगवान है, बोले भगवान का डेफिनेशन क्या है, बोले जिनको अंदर में ये 6 गुण परिपूर्ण रूप में हो, बोले वो 6 गुण क्या है, देखो आप लोग अच्छे तरह से समझ लो। देखो कभी कभी
हम जिसको तिसको ना भगवान बोलकर पीछे हाथ कर जाते, कोई थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि देख लिया बास बोल भगवान। ये बच्चों को वहां पर पीछे कोई है दिशा करते है कि नहीं? इसलिए कहते भगवान कहते हैं किसको, बोले जिसको अंदर में छह गुण परिपूर्ण रूप में होनी चाहिए। बोले वो छह गुण क्या है? बोले समग्र ऐश्वर्य अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्य होनी चाहिए। देखो सुदामा दो मुठी चिड़वाला है, जब घर में गए स्वर्ण की महल बनी, केवल दो मुठी चिड़वा खा कर उन्होंने स्वर्ण की महल देखते हैं ठाकुर जी। जब ठाकुर जी इच्छा की मथुरा छोड़ करके द्वारका में जाएंगे, सब लोग सो रहे थे मथुरा में, सकरे उठा तो चारी तरफ में समुद्र विशाल सोने की द्वारका बनी हुई, सोने की द्वारका बनी हुई है। इसलिए अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक हो समग्र ऐश्वर्य वीर्य, वीर्य मतलब होता है पराक्रम, जिनके बराबर जगत में कोई पराक्रम नहीं हो। कृष्ण अभी देखा ना, कृष्ण गिरिराज उठाए, गिरिराज कौन कौन गए हो? गिरिराज हम लोग गिरिराज गए ना परिक्रमा लगाए हैं, हम कहते भगवान भगवान। कृष्ण ने गिरिराज को कितना दिन तक उठाए थे? सात दिन तक। कितने उम्र था? सात दिन। गिरिराज कितना बड़ा है? सात क्रोश है, सात साल में है इतने बड़े गिरिराज उठाया। अगर जो भगवान बोलते ये भगवान ये भगवान, एक दस कुंटल का एक पत्थर ले आओ, कृष्ण ने इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया, अभी दस कुंटल पत्थर ला कर उसका सर पर रख दो, जो भगवान कहते हैं देखना सारे भगवान निकल जाए। भगवान जीव नहीं हो सकते हैं। इसलिए तीसरा जो गुण है ना श्री, श्री मतलब है कभी भगवान बूढ़े नहीं होते हैं। जैसे भगवान राम 11,000 साल चले रहे, लेकिन हम उनका स्वरूप में कभी बूढ़ा स्वरूप देखा? भगवान का दाढ़ी कभी देखे हो? भगवान की कभी मोच देखो कभी भगवान की? कभी नहीं है। हाँ भगवान कोई बूढ़ा नहीं होते हैं। कृष्ण 125 साल तक थे, लेकिन जब जब उनका रूप देखो ना, नव किश्वर नटवर, भगवान कभी बूढ़े कभी नहीं होते हैं। राधा रानी को देखी कभी बूढ़ी हो? सीता जी को देखी कभी बूढ़ी बनी हुई? कहते तो भगवान भी नहीं बनते हैं, उनकी शक्ति भी कभी बूढ़ा बूढ़ी नहीं होते हैं। और भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी मरते नहीं। अब रामायण कौन कौन देखो टीवी में देखो, सबके सब देखा। भगवान जब जा रहे थे वो अकेले नहीं गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को ठाकुर जी लेकर गए, सरज में स्नान कर रहे हैं, चतुर्भुज रूप में निकल रहे हैं, वैकुंठ से रथ आया, पूरा अयोध्या को लेकर गए, केवल हनुमान जी को छोड़ करके गए जगत में भक्ति प्रचार करने के लिए। कृष्ण भी जब गए केवल श्री सुखदेव गोस्वामी को छोड़ कर गए, बोले क्यों? ये भागवत धर्म प्रचार करने के लिए। इसलिए भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, सारे पराक्रम जिनका अंदर में हो है। इसलिए वीर्य जस श्री जिसको अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण रूप में हो, केवल वही भगवान ये। इसलिए कभी जीव भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले भैया जो रास रचा है ना वो कोई जीव नहीं, ये भगवान स्वयं रास कर रहे हैं। और जो गोपियां हैं ये कोई लड़की नहीं है, आप और हमारी जैसी कोई लड़की नहीं है। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे, जब भगवान राम दंडकारण्य में गए, ऋषि मुनि लोग गोपाल मंत्र में करोड़ों साल से पूजा कर रहे, उपासना कर रहे थे, जब राम रूप को देखे मुग्ध हो गए, प्रभु राम को बोले पति रूप में पाने के लिए, बोले नहीं, रामावतार में एक सीता के सिवाय में किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूं, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। वो जितने ऋषि मुनि वेद के मंत्र थे वो सब के सब द्वापर युग में ये गोपी बन करके आई। गोपियां कोई स्त्री नहीं, अभी हम सुनेंगे शंकर भी गोपी बन करके आए, गोपी स्वर महादेव है, क्या संत कृष्ण के साथ भोग करने के लिए आए? हमारी जो भावना है ना गंदी भावना है, हमारी भावना गंदी है। इसलिए जब हम गोपी और कृष्ण की बात सुनते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर में भी गंदी भावना आता है, हैं? लेकिन भगवान के जो लीला है ना, रास मतलब कोई भोग वस्तु नहीं, रास मतलब होता है रस है,
जहाँ नृत्य कीर्तन वाद्य द्वारा जहाँ पर नृत्य करते हैं वहाँ पर कोई भोग का वस्तु है ही नहीं, ये तो शंकर की गोपी बन करके आएंगे। कारण क्या है? इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जीवों को सावधान कर देते हैं, भगवान को बाहर में कभी गंदी चीज को स्मरण तक भी मत करो, फिर बहुत बड़ा पाप लगेगा भगवान के प्रति। इसलिए भगवान जब उन्होंने बंसी बटे में भगवान बंसुरी बजाए, लेकिन उन्होंने क्लीन शब्द को उच्चारण की, देखना हर मंत्र से पहले कोई भी मंत्र हो हर मंत्र से पहले क्लीन होता है, उसमें पांच अक्षर है। देखो का मतलब कृष्णा, नीचे ल मतलब राधा रानी, ई मतलब जो उनकी मिलन चंद्र और बिंदु, उसमें पांच अक्षर है, उनको मिलन में जो दिव्य आनंद मिले है ये क्लीन है। लेकिन राधा रानी सुन रहे थे बंसुरी से केवल राधा राधा शब्द निकल रहा है, ललिता सुन रही थी केवल ललिता ललिता शब्द निकल रहा है, विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा विशाखा शब्द निकल रही थी, गोपियां कोई घर में अपना काम कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई रसोई बना रही थी, कोई एक हाथ में काजल दूसरे हाथ में पहनी नहीं, कोई गले की हार को कमर में, कमर के दर्द में गले में, उसी अवस्था में ही ये सब के सब रासों में उपस्थित हुए। जब हुए भगवान कुछ अच्छी शिक्षा दी है, बोले देखो तुम लोग सो पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारियों का धर्म नहीं अर्ध रात्रि में अपना घर छोड़कर घर से निकल जाना, भगवान मना करते हैं। कभी भी हमें रात को बीच में कभी भी हमें घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठाकुर जी मना करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, स्कूटी उठाए रात 8 बज रहा है 10 बज रहे, पता नहीं कहाँ पिता कहाँ बेटी कहाँ बेटा कहाँ अलग, भगवान मना करते हैं। इसलिए स्त्रियों के लिए भगवान ने बताए, स्त्रियों के लिए विशेष बात ठाकुर जी कहते हैं, कहते बचपन में पिता माता के अधीन में रहनी चाहिए, जब बड़ी हो जाए शादी के लायक पति के अधीन में रहो, जब बड़ी बूढ़ी हो जाए फिर वो बच्चों को अधीन में रहनी चाहिए। स्वतः स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता के लिए मना किया है, अभी जगत में जरा डाइवोर्स नहीं हो रहा है, बताओ सब यही कारण है, कोई कोई किसी अधीन में रहना कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो अच्छी संस्कृति है, हाँ ये अच्छी संस्कृति है। भगवान ने कहा देखो तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पति जो कुछ क्यों नहीं हो, लंगड़े लोढ़े निकम्मा जो कुछ नहीं हो, हमारी हिंदू संस्कृति कहता है पति हमारी परमात्मा है, पति की आदेश को पालन करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। जाओ तुम लोग अपना घर में वापस चले जाओ, जा करके अपना पति की सेवा करो। तब कृष्ण एक सुंदर स्टोरी सुनाए, देखो कृष्ण कह रहे हैं स्टोरी को, अगर जो स्त्रियां पतिव्रता धर्मों को जाजन करती हैं, ये पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति है, कृष्ण सुना रहे हैं। बल एक समय कोई एक पति पत्नी के जंघे के ऊपर सर रखकर सो रहा था, पहले जो रसोई बनती थी लकड़ी से, कंटा और लकड़ी से, घर में एक छोटा बच्चा था जो केवल घुटन पर ही चलना सीखा है, वो सो रहा था। इतने में क्या हुआ, बच्चा का नींद खुल गई, नींद खोलते ही पास में चूल्हा जल रही थी, थोड़ी देर पहले उसने खाना बनाई, अभी वो बच्चा घुटन पर चलते चलते एकदम चूल्हे के पास में चला गया, अभी चूल्हे में गिरने वाला। उसकी पत्नी तो घबरा गई, अभी क्या होएगी, बच्चा तो चूल्हे में गिर पड़ेगा, लेकिन पति तो मेरे जंगे को मेरे सर रख करके सो रहे हैं। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, पतिव्रता नारी का कर्तव्य है पति की सेवा करें, अगर मैं उनको जगा देती हूँ फिर क्या होगा, पति की नींद खराब हो जाएगी, फिर मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी, अभी मुझे क्या करनी चाहिए। बोले भले ही बेटा मरना तो मर जाए, लेकिन पति का नींद में कभी खराब नहीं करूंगी। सचमुच से देखते देखते वो बच्चा एकदम चूल्हे में गया, अभी तो उसकी मन में खेवी मच गई, अभी क्या होगी क्या होगी। थोड़ी देर बाद में पति की नींद खोली, बोले लाला कहाँ है, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंगे ऊपर सर रख करके सो रहे थे, आपका नींद खराब हो जाती फिर मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाती। बोले चलो चलो देखते हैं, इसकी पतिव्रता धर्म में दिने शक्ति थी,
इतने शक्ति थी देखा वो अग्नि शांत हो गया और वो बच्चा चूल्हे के अंदर में किलकर मारकर खेल रहा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ और बच्चे को उन्होंने चूल्हे से निकाल दिया। कृष्ण ने कहा देखा जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म जाचन करती हैं उनमें कितने शक्ति पतिव्रता धर्म में। कृष्ण शिक्षा देते हैं हमें पतिव्रता धर्म हमें रखा करनी चाहिए, हमें इतने शक्ति उसमें पतिव्रता धर्म में। तब गोपियों ने कहा हम भी आपके लिए स्टोरी सुनाएंगे। बोले सुनाओ क्या सुनाना चाहती है। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े प्रेम में रहते थे। अभी पति को विशेष किसी काम के लिए बाहर जाना था। पत्नी से बोला देखो मेरे को 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। पत्नी कहती है आप जाओगे तो मैं क्या करूँगा, ये श्रृंगार मैं क्यों करती हूँ, श्रृंगार आपके लिए तो श्रृंगार करती हूँ, ये खाना क्यों बनाती हूँ आपके लिए तो खाना बनाती हूँ, बिस्तरा क्यों सजाती हूँ आपके लिए तो करती हूँ, अगर आप चले गए तो फिर मेरी क्या होगी, मैं क्या किसके लिए करूंगी। बोले देखो कोई विशेष जरूरी काम है। बोले एक काम करना मैं अपना फोटो दे जाता हूँ, जब तक नहीं आऊंगा ना तब तक इसको पूजा करते रहना। बोले ठीक है। अभी वो फोटो की पूजा करती थी, अभी इतने में पति आ गया बाहर से दरवाजा खटखटा रहे। इतने में गोपियों ने कहा कृष्ण अभी क्या करना बताओ तुम स्त्री को। बोले भैया जो पति आ गए फिर पति को तो सम्मान करो, अरे पति को सम्मान करो। बोले देखो कृष्ण तुमने बताया ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्यांग द्रविण तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमने पिता में ये बात बताया ना, तुम ही पिता तुम ही माता तुम ही पति तुम ही भाई तुम ही बंधु सब कुछ तुम है ना। जब सब कुछ तुम हो गीता में तुमने स्वयं बताया सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन तू सारे धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए तो तुमने बंसरी बजा करके हमें बुलाया, तब तक हम यहाँ पर आए हैं। बोले कृष्ण अभी तुम सुंदर सुंदर उपदेश दे रहा था ना, जो उपदेश देता है वो गुरु है, इसलिए नियम है प्रथम अंतु गुरु पूज्यम, पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए उसको बाद में फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। कृष्णं वंदे जगत गुरु, कृष्ण ये जगत गुरु है। जब गोपियों ने ये सब बात बताया ना कृष्ण प्रसन्न हो गए, फिर भगवान गोपियों का साथ में रास कर रहे हैं। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। लेकिन जो एक हाथ में काजल पहन करके आई थी कृष्ण उसके दूसरे हाथ में पहना दी, जो आधा कपड़ा पहनने के लिए आए थे कृष्ण उसको पूरा कपड़ा पहना दिया, जो गले की हार कमर में कमर के कंधे में गले में पहन रखी थी कृष्ण पूरा उन्हें सुंदर करके श्रृंगार कर दिया। शिक्षा देते हैं अगर हमें कोई सुंदर सजा सकता है कौन सजा सकता है, ठाकुर ही हमें सजा सकते हैं। कृष्ण गोपियों को इतने प्यार दे रहे थे, बोले प्यार दबा दो थोड़ी सी, पसीना निकले तो अपना दोपड़ा से पसीना खोज रहे थे। देखो स्त्रियों में एक दोष है, जानते हो क्या दोष है, अगर पत्नी ज्यादा प्रेम करे ना फिर पति को सर पर चढ़ बैठती है। अभी उनको मन में तो बड़ा अभिमान आ गया कृष्ण हमें बड़े प्रेम करते हमारे बगैर इनको तो चलेगी नहीं है। लेकिन गोपियां ये देख रही थी केवल कृष्ण हमारे पास में, लेकिन कृष्ण सबके पास में थे। लेकिन केवल राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में और कृष्ण सबको पास में भी कृष्ण ने। अब इतने में राधा रानी के अंदर में मान हो गया क्या मैं सबको साथ में बराबर हूँ, कृष्ण मेरे साथ में और कृष्ण सबको साथ में। इतने में राधा रानी ने रास को उन्हें परित्याग की। जब परित्याग की कृष्ण ने देखा जब राधा रानी चली गई फिर रास किसके लिए, फिर कृष्ण सारी गोपियों को त्याग देकर के कृष्ण के वलसरी राधा रानी को लेकर के चले गए। अभी गोपियां कृष्ण विरह में लता पता वृक्षों को पूछ रहे हैं हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखे हो। देखते देखते हठात पृथ्वी को ऊपर में उनका नजर पड़ा, देखा कृष्ण का सुंदर सुंदर चरण चिन्ह है। बोले ये देखो ये कृष्ण का चरण चिन्ह है। थोड़ी दूर गए तो कृष्ण का दोनों बीच में एक सुंदर एक सी
ईश्वर जी के चरण चिन्ह है। बोले वो चरण चिन्ह किसके हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये श्रीमती राधा जी की ही चरण चिन्ह है। बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से जयकार लगाओ। बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले यही गोपी कृष्ण को पूर्ण रूप में सेवा दी। कृष्ण सब कुछ छोड़ करके इसको लेकर गए, लेकिन और थोड़ी दूर गए तो देखा बीच में चरण चिन्ह है ही नहीं। बोले ये चरण चिन्ह कहाँ गया? दूसरे गोपी कहती है ये तो हृदय को और भी पीड़ा दे रहे हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण का चरण देखो थोड़ा ज्यादा दबा हुआ। बोले मतलब क्या? बोले मतलब नहीं समझ रहे हो, कृष्ण ने वो गोपी को गोद में लेकर गए हैं। ऐसे बोलते बोलते जा रहे थे और कृष्ण तो राधा जी को श्रृंगार भेंट में सुंदर पुष्पों की माला बना करके उनको श्रृंगार कर रहे थे। जब गोपियां आ गई, कृष्ण बोले यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो गोपियां देखेगी ना फिर मान करके बैठेगी। कृष्ण बोले राधा जी बोले मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे उठा करके मेरे को लाए थे कहीं से ले लो। बोले क्या कंधे पर बैठो? बिल्कुल बैठा लो। जब राधा रानी बैठने के लिए गई कृष्ण हरि से अंतर ध्यान हो गई, वहीं पर तो राधा रानी बेहोश हो गई। गोपियों ने आकर के उनको होश दिलवाया। बोले देखो कृष्ण को उनका भजन बड़ा प्यारा है, चलो जमुना कुल में बैठ करके हम कृष्ण को कीर्तन करेंगे। हाँ इसका नाम है गोपी गीत। देखो ये गोपी गीत में इतने शक्ति है, आम लोग अपना घर में गोपी गोपी गीत गाया कर, जैसे अलग अलग हम कभी इनकी चालीसा कभी इनकी चालीसा, नहीं आप गोपी गीत गाओ। इसको कौन गाई थी? राधा रानी गोपियों के साथ में। और जिस गोपी गीत को सुन करके कृष्ण रह नहीं सके, जहाँ पर कृष्ण को प्रकट होना ही पड़ा, मतलब जहाँ पर आप ये गोपी गीत गाओगे ना बाकी बिहारी रह ही नहीं सकते हैं, उनको आपको घर में उनको आना ही पड़ेगा। और भगवान अगर आ गए ना बात सारे देवादेवी अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि जगत में 33 करोड़ देवता है। कितना देवता है? कितने को मनाओगे बताओ? एक को मनाओ ना दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा, चौथा को मनाओ पंचमा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, बताओ कितने को फिर मना दे रहा हूँ। लेकिन ये वाक्य बिहारी ये ऐसे के देवता है, कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाए, ये अनंत करोड़ जो देवता है ये सब के सब भगवान के अंदर में, इसलिए भगवान कृष्ण जब विराट रूप दिखाया बोले अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तू शंकर कह रहे हो देखो शंकर मेरे में, जिसको देवी कह रहे हो देवी मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते देखो हनुमान मेरे में, जिसको तू गणेश कहते देखो गणेश मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते देखो ये 33 करोड़ देवता सबके सब मेरे अंदर में। जब हम भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लिया, क्या हुआ? ये सारे जितने 33 करोड़ देवता ये सब के सब पूजा हो जाता है, सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जब कृष्ण तुम्हारे घर में बांके भी आए आ गए, बाहर सबके सब तुम्हारे घर में आ जाए, सारे देवता तुम्हारे घर में प्रसन्न हो जाएंगे। तब उन लोगों ने बैठ करके गोपी गीत गाए, एक दो श्लोक हम सुन लेते हैं। जय तेरे दिखा जान मना साया I'm
कृष्ण मनमथ के मनमथ रूप लेकर के प्रकट हुए। गोपियों ने अपना चुनरी उतार करके भगवान को बैठाए और उन्होंने तीन प्रश्न करते हैं। बोले देखो कृष्ण, जगत में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तरह का लोग होते हैं जो भजन करने पर भजन करते हैं, दूसरे तरह का व्यक्ति होते हैं भजन करे नहीं करते भी भजन करते हैं, तीसरे तरह का होता है कर और मत करो, जिसको किसी को साथ में कोई मतलब नहीं। बताओ तीन तरह में तुम कैसे हो? देखो ध्यान देकर सुनो। कृष्ण इसका आंसर देते हैं, जो भजन करने पर जो भजन करते हो बढ़िया हो। जैसे 100 रुपया दुकान में लेकर गए, 100 रुपया दिया, 100 रुपया का सामान दे दिया, लेकर के आ गए, वहां पर कोई प्रेम का बात नहीं, पैसा दिया बस माल लेकर के आ गए, बढ़िया है। बोले दूसरा तरीका कौन है? बोले पिता और माता है। जो करे नहीं करे तब भी करते हैं, मतलब देखना पिता माता का जो हृदय इतना बड़ा है, भले ही बच्चा जितने नालायक को नहीं बन जाए, लेकिन पिता माता क्या कहते हैं? बोले लाला मेरा ही लाला, मेरा ही बेटा है, मेरा ही मेरी ही बेटी है। इनके हृदय में बच्चे का प्रति स्वाभाविक रूप में स्नेह है। देखो एक समय कोई एक प्रेमी का अपना प्रेमी को बोला, बोले देख तभी मैं तेरे